हेलो दोस्तों, ये जो पोएम है अभी जो बजेगा उसे कवर किया है नीतीश। पहचाने कि नहीं? हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। ये गाना आपने सुना होगा उनके वॉइस से। उनका वॉइस एक नंबर, मैं नजर नहीं लगा। दरअसल उनका वॉइस वाकई एक नंबर है, तो मैं उनका फ़ैन हो गया। तो मैं उनका प्रमोशन कर रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उनके चैनल पर उनको सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो अपने चैनल पर सॉन्ग अपलोड करते हैं, अपने वॉइस में कवर करते हैं। तो बस यही है, और पोएम सुनिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक नंबर है लव स्टोरी भी शायद। बस सब्सक्राइब कर देना उनके चैनल को, उनको बोलो। तो चलते हैं बिना किसी। आज काफी दिनों बाद कुछ लिखने का ख्याल आया। आज काफी दिनों बाद कुछ लिखने का ख्याल आया, पर सोचा तो विषय ही समझ नहीं आया। फिर सोचा आज किसी अपने के बारे में लिखूं। फिर सोचा आज किसी अपने के बारे में लिखूं, और सोचते ही दोस्ती का ख्याल आया। एक ऐसा रिश्ता जिसे हम खुद बनाते हैं, एक ऐसा रिश्ता जिसे हम खुद बनाते हैं। हाँ, मैंने भी बनाया है एक ऐसा ही रिश्ता, उससे जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला, उससे जिसे मैं पहले कभी नहीं देखा। हाँ, इत्तेफाक से दोस्त है मेरा। हमारी दोस्ती कब शुरू हुई वो याद नहीं, हमारी बात कब शुरू हुई वो याद नहीं, हमारी मुलाकात कब शुरू हुई वो याद नहीं, पर हाँ, अब हम अच्छे दोस्त हैं। सच कहूँ तो किन अल्फाजों में बयां करूँ उसे और उसकी दोस्ती को, सच कहूँ तो किन अल्फाजों में बयां करूँ उसे और उसकी दोस्ती को, शायद अल्फाज भी कम पड़ जाए। उससे बात कर लूँ तो दिन पूरा सा लगता है, उससे झगड़ लूँ तो उसका मनाना अच्छा सा लगता है, उसे चिढ़ाऊँ और जब वो चिढ़े तो बात पूरी सी लगती है। हाँ, वो दोस्त है मेरा इत्तेफाक से। उसका बात ना करना, उसका बात ना करना एक अधूरापन सा लगता है, उसका गुस्सा हो जाना मेरा आंखें भर जाता है, लेकिन उसका चिढ़ना एक अपनापन सा लगता है। हाँ, वो दोस्त है मेरा इत्तेफाक से। उसका मुझसे देर रात तक बात करना, उसका मुझसे देर रात तक बात करना और बात करते करते सो जाना, फिर मेरा गुस्सा करने पे उसका कहना कि तुमसे बात करके सुकून सा मिलता है, मेरे चेहरे पे एक खुशी की मुस्कान सा ला देता है। उसका मुझसे कुछ सवाल करना और मेरा ये कहना कि मुझे पता नहीं, तो उसका चिढ़ कर बोलना कि नहीं बताना है तो मत बताओ ना, अच्छा सा लगता है। हमारी दोस्ती के किस्से अभी मशहूर नहीं, हमारी दोस्ती के किस्से अभी मशहूर नहीं, क्योंकि इसे समझने वाला कोई नहीं। हमारे ख्यालात बिल्कुल नहीं मिलते, हमारे ख्यालात बिल्कुल नहीं मिलते, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं। वो सबके साथ क्या है कैसा है पता नहीं, पर हाँ, मेरे साथ मेरे जैसा है, पर हाँ, मेरे साथ मेरे जैसा है। हाँ, हमारी रोज बातें नहीं होती, हाँ, हमारी रोज बातें नहीं होती तो उसका बेरुखी लाजमी है, पर इतनी जल्दी मान जाना है ये तो मेरी खुशनसीबी है। हाँ, अभी हमारी बातें नहीं हो रही फिर भी हम एक दूसरे के लिए हैं सही। हाँ, अभी हमारी बातें नहीं हो रही फिर भी हम एक दूसरे के लिए हैं सही, शायद उसे भी पता है हमारे रिश्ते की डोर कमज़ोर नहीं। हाँ, वो मेरी मजबूरियों को समझता है, हाँ, वो मेरी मजबूरियों को समझता है, शायद इसलिए उससे मुझसे कोई शिकायत नहीं। हाँ, वो दोस्त है मेरा इत्तेफाक से। अब मुझे उससे बातें करनी है, अब मुझे उससे बातें करनी है, उसे बताना है उससे मैंने कितना याद किया है, उसे बताना है उसकी यादों ने कितना रुलाया है, उसे बताना है अपनी मजबूरियाँ। हो सकता है वो नाराज़ हो मुझसे, शायद मुझे सुन के उसकी नाराज़गी दूर हो जाए। हाँ, वो दोस्त है मेरा इत्तेफाक से। ऐ खुदा, ऐ खुदा, एक खिदमत मेरी भी सुन,
ए खुदा एक खिदमत मेरी भी सुन, थोड़ी तो इबादत कर, इसकी बेरुखी को कम करना, हमारी दोस्ती की डोर कमजोर ना होने देना, इस इत्तेफाक की दोस्ती को अटूट बनाए रखना, ताकि मैं कह सकूं हाँ वो दोस्त है मेरा, वो दोस्त है मेरा इत्तेफाक से। रुको रुको रुको, जा कहाँ रहे हो? अगर आपको इसका दूसरा वर्जन भी सुनना है तो मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूँ, क्या मैं पोस्ट करूँ? किसी भी तरह कमेंट में आप बता दो ना, मैं पोस्ट कर दूँगा। तो अगर आपको दूसरा वर्जन सुनना है तो कमेंट करके बोलो हमें कि हाँ सुनना है, तो मैं पोस्ट करूँगा। मैं आपसे परमिशन भी मांग रहा हूँ, प्लीज़ बता देना।